السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يا ميري بياري بهنان سارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي كوئی نیا ممبر بھی ہے یہاں پہ؟ साइमा अच्छा माशाल्लाह जी जी ठीक है। उन्होंने अपने मोबाइल में नहीं किया, आपके साथ ही ऑनलाइन हो रही हैं। वो ना हुआ ही नहीं उसके मोबाइल में ना, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा चले शुरू करते हैं। हम पहले 4 मिनट हमारे लेट हो गया है। जस्ट पीछे से एक रिव्यू जो हम लेंगे वो ये है कि हमने देखा था कि भी लफ्ज हमारे सामने अरबी का आएगा, हम उसको पहचानेंगे कि वो क्या है। यानी या तो वो होगा इस्म होगा, नाउन यानी इस्म होगा, या फेल होगा कोई काम, या फिर हर्फ होगा। ठीक है, इस्म फेल हर्फ, ये तीन ही कैटेगरीज होते हैं, तीन तरह के ही अल्फाज होते हैं। अच्छा, अब उसमें से इस्म नाम को कहते हैं, ठीक है, और फेल किसी काम को कहते हैं जिसमें जमाना भी हो, और हर्फ जो है वो ना इस्म होता है ना फेल होता है, बल्कि उन दोनों को मिलाने के काम आता है, और दोनों के मिलके फिर कोई मानी उसके बनते हैं, ठीक है, वो हर्फ होते हैं। अच्छा, अब इन तीनों में से, इन तीनों को हम बारी बारी इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस्म को देख रहे हैं। ठीक है, उन तीन कैटेगरीज में से, इस्म फेल हर्फ, उन तीन में से सबसे पहले हम इस्म की डिटेल पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसमें से सबसे पहले जो है जिन्स यानी जेंडर, वो इस्म जो है वो नाम किसी चीज शख्स या जगह का, वो या मुजक्कर होगा या मोनस होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बस मैं जल्दी से रिवाइज करा रही हूँ। जिन्स में हमने ये देखना है कि कुछ जो जानदार चीजें होती है ना, जानदार यानी, उनमें तो हमें पहचानने की जरूरत नहीं। लड़का आप किसी भी जुबान में बोलें, बॉय इंग्लिश में और वाला दुन अरेबिक में और लड़का उर्दू में, वो हमेशा मुजक्कर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए उसको पहचानने की जरूरत नहीं। लड़की हमेशा मोनस ही रहेगा हर जुबान में, उसके लिए कोई भी लफ्ज हो, लेकिन जो गैर जानदार चीजें हैं उनके लिए पहचानने की जरूरत है। उसमें फिर हमने तीन निशानियां देखी थी मोनस की, गोलता है, गोलता मसलन हसनतुन, ठीक है, और एक मिनट जी, हसनतुन और साआतुन घड़ी, हसनतुन नेकी, आकिबतुन अंजाम, सारे जो जो गोल था एंड पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये मुअन्नस है। पहली निशानी ये है। दूसरी निशानी है अलिफ ममदूदा, मद वाला जो अलिफ होता है वो भी मुअन्नस की निशानी होता है। इसमें जरकाउ नीली, ये मैं आपको बताऊं कि ये कलर का नाम है, ठीक है, एक रंग का नाम है, और अगर ये जरकाउ है तो ये मुअन्नस रंग होगा, यानी कोई नीली चीज है, चीज ऐसी है जिसका मैं नाम बता रही हूँ, रंग बता रही हूँ, और वो मुअन्नस है, फिर उसके लिए मैं जरकाउ बोलूंगी। लेकिन अगर कोई मुजक्कर चीज है और उसका मैं रंग बता रही हूं, तो फिर मैं बोलूंगी अजरक, ठीक है, अजरक। और इसी तरह हमराउ यानी सुर्ख रंग की अगर कोई मोनस चीज है तो, लेकिन अगर कोई मुजक्कर चीज है तो फिर अहमर, ठीक है, असफर मुजक्कर के लिए, लेकिन सफराउ अगर बना देंगे तो फिर उसका मतलब पीली अजर, बेदाउ सफेद, सफेद चीज मोनस होगी तो, लेकिन अगर मुजक्कर चीज होगी तो अब यद बोलते हैं उसके लिए। इसी तरह देखें सौदाऊ, लेकिन इसका मुजक्कर क्या होगा, भी कोई माइक ऑन करके बताएगा? अभी मैंने आपको 3-4 मिसालें बताई हैं, कोई माइक अपना ऑन करके जरा बताए मुझे। सौदाऊ तो मोनस हो गया ना, मद अलिफ और अलिफ मद की वजह से, इसका मुजक्कर क्या होगा? अस्वद, अस्वद, माशाल्लाह बारक, जी जी हजर अस्वद माशाल्लाह, वो हजर, इसका मतलब है कि हजर जो है ना वो मुजक्कर लफ्ज है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हम अस्वद बोल रहे हैं, अस्वद मुजक्कर होता है, लेकिन सऊदाउ मोनस है, और दोनों का ही मतलब है स्याह या काला, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी मिसालें। उसके बाद है अलिफ मकसूरा, ये छोटा सा अलिफ होता है, उसके आगे छोटी या लिखी होती है,
जिसको हम अलीफ की साउंड से ही पढ़ते हैं, मसलन कुबरा सबसे बड़ी, सुगरा, हुस्ना, ये छोटी या लगी हुई एंड पे लेकिन खड़ी जबर की वजह से हम उसको आ की साउंड से पढ़ रहे हैं, ये भी मोनस की निशानी होती है। कि ये तीन निशानियां बस आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी कुछ ये रैंडम नाउन्स थे जो मोनस होते हैं वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा खुद। उसके बाद हमने पिछली क्लास में ये भी देख लिया था मुजक्कर से मोनस, सॉरी मोनस बनाने का कायदा कि गुलता लगा देंगे, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, ठीक है। उसके बाद हमने अदद भी देख लिया था पिछली क्लास में, नंबर तीन तरह के अदद होते हैं उर्दू जुबान में, तो दो तरह के होते हैं यानी वाहिद और जमा, ठीक है, एक चीज को वाहिद कहते हैं और एक से ज्यादा को जमा, लेकिन अरबी में तीन तरह के इस्म होते हैं, वाहिद, एक सनिया या मुसन्ना, दो और जमा, दो और जमा, किसी ने माइक ऑन किया पूछना है क्या? सिर्फ आई लिख, सिर्फ आई लिख, आई एम सॉरी मैंने बंद कर दिया, पता नहीं आपको पूछना था या नहीं, या वैसे गलती से ऑन हो गया था क्योंकि आवाज बहुत गूंज रही थी उस तरह से। अच्छा, वाहिद तस्निया जमा, ठीक है, वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया या मुसन्ना याद रखें दो को कहते हैं, और जमा दो, ये दो या दो से ज्यादा चीजों को, दो से ज्यादा चीजों को, दो को नहीं क्योंकि दो को तुम तस्निया कहेंगे, दो से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। अच्छा, अब तस्निया बनेगा कैसे? पानी की आवाज आएगी, मसलन किताबुन से किताबानी, कलमुन एक कलम उससे कलमानी दो कलम, रजुलुन से रजुलानी दो मर्द, ये मुजक्कर की मिसालें हैं। और अगर हम मोनस की साइड पे चले जाएं, ये देखें जन्नतुन बोलता है ना, उसकी वजह से मोनस हो गया ये जन्नतुन, उसके भी फिर आगे हम वही अलिफ नून ही लगाएंगे, क्या बन जाएगा? जन्नतानी, राइट। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या जरातुन? शजरतानी। इमरातुन एक औरत, इमरातानी दो औरतें, ठीक है, ये वाहिद और तस्निया हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सारी मिसालें ढेर सारी आप लोग खुद जो है बुक आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजी हुई है, आप सब जो है उसको एक दफा देख के सारी मिसालें पढ़ लें ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती जाए, यानी अल्फाज के मानी सामने लिखे हुए हैं आप लोग ये जरूर पढ़ें ताकि आपको अल्फाज मानी के पता चलते जाए। तो कुछ जो होते हैं नहीं ठीक है, इसी तरह से चल रहा है सारा, आनी लग गया। अब जमा, जमा में भी हमने पढ़ लिया था कि सालिम और मुकस्सर होता है, जमा सालिम होता है और जमा मुकस्सर होता है, दो तरह के होते हैं। सालिम का मतलब होता है यानी जैसे कहते हैं ना सेहत और सलामती वाला, यानी मुकम्मल परफेक्ट, जो टूटा हुआ ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा हो, सालिम होता है। मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ। जो सालिम है वो कैसे बनेगा? देखिए मुस्लिमुन है, उसका मैंने जमा बनाना है, इसका तस्निया बनाना है पहले, कोई बताएगा मुझे? एनीवन, एनी वॉलंटियर, जरा माइक पे आ जाए कोई एक, शाबाश जल्दी से कि टाइम ना वेस्ट हो। जी मैडम। अच्छा जी, आपका नाम मोहम्मद इस्माइल लिखा हुआ है, सॉरी नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम मैडम, नायला मेरा नाम है, मोहम्मद इस्माइल मेरे बेटे के नाम के साथ। ठीक 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 है, ओके नायला जी। नायला, मुस्लिमुन का क्या मतलब है? एक मुसलमान मर्द, इसका तस्निया बनाइए जरा। जी, दो मुसलमान होंगे तो फिर क्या होगा? मुसलमान, मुसलमान नहीं, मान ना कहें, और मुस्लिमूना इसकी जमा मुस्लिमूना। हाँ, हमने क्या नोटिस किया कि वाव नून लग के जमा बनी हुई है, ठीक है, मुस्लिमूना। इसी तरह अगर हम मोनस की तरफ आ जाए, मोनस नीचे है जी, मुस्लिमतुन, राइट, ये मोनस हो गया, इसकी मुझे तस्निया बताएंगी आप नायला? मुस्लिमतुन वाहिद है, मुस्लिमातुन जमा है। जी 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 बिल्कुल, मुस्लिमातुन जमा है, मैं तस्निया पूछ रही हूँ, दो मुसलमान औरतें कहना होगा, फिर कैसे कहेंगे?
मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन मुस्लिमीना मुस्लिमातु कैसे भाई कैसे? देखिए हमने तस्निया कैसे बनाया था, मुस्लिम उनका तस्निया आपने क्या बताया मुझे, मुस्लिम उनका तस्निया क्या बताया? अलिफ नून लगाने से, अलिफ नून लगाना है तो इसके भी आगे अलिफ नून लगाइए। जी जी इसके आगे भी अलिफ नून लगाइए। मुस्लिमतान बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिमतान मुस्लिमातुन। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तामर बूता हटा के तो गोल सिंपल ते बना देना है जी इसके आगे। हाँ ये गोल ता हट जाएगा और इसके आगे अलिफ लग जाएगा और लंबी वाली ता आ जाएगी। ठीक है वो तो नहीं हाँ। वो तो जमा बन गया ना, वो तो जमा बन गया ना। मुस्लिमतुन से जब तस्निया बनाना है, हाँ तस्निया बनाना है तो इसी ता के आगे एक अलिफ लगाएंगे और नून लगाएंगे। मुस्लिमतानी जी मुस्लिमतानी सालिहतुन सालिहतानी दो मुसलमान औरतें और सालिहातुन सब मुसलमान औरतें। मुमिनतुन एक मोमिन औरत। ठीक है की तस्निया बनाए दो मोमिन औरतें कैसे बोलेंगे? मुमिनतानी मोमिनातुन ये अलिफ और ता लंबा पूरा लग गया है तो ये सब मुसलमान औरतें। ठीक है ये हमने मुजक्कर और मोनस दोनों का देख लिया और ये हमारी रिवीजन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पिछले दफा कर चुके थे, अब हम अगले अपने लेसन पे चलते हैं। अच्छा कुछ जमा ये सारे तो जमा सालिम थे। ठीक है जमा मुकसर यानी जो टूट के बना होता है ना, टूट के बना हुआ, इसका कोई फायदा नहीं होता, इसका कोई ये मतलब कोई फायदे के साथ नहीं बनाते, बस रैंडमली आ जाता है। किताब उनसे कुतुब उन वालद उनसे औलाद उन, देखिए बिल्कुल ही टूट फूट के लफ्ज नया का नया ही बन गया। बिंत उनसे बनात उन लड़कियां, जबल उन जिबाल उन राइट, इमाद उन एक सुतून पिलर, अमद उन ज्यादा स्तून पिलर्स। ये भी मैं आपसे रजुल उन रिजाल उन मर्द। ठीक है ये रैंडम है, आप लोग इससे मैं कहूंगी कि आप इससे एक दफा खुद सारे पढ़ लीजिएगा अपनी वोकैबुलरी के लिए। अच्छा अगला हमारा इन्हें याद करना पड़ेगा। नहीं इतनी जरूरत तो नहीं है, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो बस आप एक दफा पढ़ लीजिए ना कि नजरों से गुजर जाएं। ठीक है याद की हुई चीजें भूल जाती हैं, बस एक दफा आपको पहचान हो जाएगी, आई मीन आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है आयन उनकी जमा उयून होता है। जहां फिर कुरान में आएगा तो फिर हम कहेंगे अच्छा देखिए हमने वो बुक में पढ़ा था, हम रिकॉल कर लेंगे उसको वापस ना, याद वापस करते रहेंगे चीजों को इंशाल्लाह। ठीक है प्रैक्टिस होती जाएगी, बस एक दफा पहचान आप एक दफा समझ आ जाए चीज की और एक दफा आप अपनी नजरों से उसको गुजार दें। अगला हमारा नया लेसन जो आज का है वो है वुसअत। वुसअत यानी कोई चीज कितनी वसी है, यानी वो उसका दायरा तंग है या खुला है, वो पास की रहती है या दूर तक जाती है, उसको वुसअत कहते हैं ना। वुसअत में हम देखेंगे नकिरा और मारिफा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इसको नकिरा और मारिफा ही कहते हैं और अरबिक में भी यही कहते हैं, इसलिए जिनको उर्दू में मारिफा और नकिरा का पता है उनके लिए बहुत सहूलत होगी। जी कोई और आएगा माइक पे, एनी वॉलंटियर प्लीज क्विकली। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौशीन है आप? नौशीन पाकिस्तान से आप या यहाँ से तर से बात करें या पाकिस्तान से? नौशीन जी आपकी आवाज नहीं आई। जी मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इस वक्त कराची में हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा नौशीन नकिरा और मारिफा का कॉन्सेप्ट है आपको, उर्दू में किसको कहते हैं नकिरा किसको कहते हैं? नकिरा इज कॉमन नाउन और मारिफा इज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का क्या मतलब? आपने तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया ना उसको, मैं डेफिनेशन पूछ रही थी। मतलब का जो है ना सॉरी और किसी खास शख्स की जगह, किसी खास शख्स की जगह का नाम जो है वो मारिफा है। स्पेसिफिक जो नाम है जैसे अब मेरा नाम है नौशीन वो मारिफा हो जाता है, और अगर बात करें एक औरत तो वो नकिरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह जी। औरत अगर हम कहें औरत लड़की वो कोई भी लड़की हो सकती है, वो नकिरा होगा यानी आम शख्स, किसी आम शख्स चीज या जगह के नाम को नकिरा कहते हैं, सबको पता होगा माशाल्लाह जो उर्दू जानते हैं। और जैसे किताबुन कोई किताब, रजुलुन कोई
ایک آدمی, اور اس کی نشانی عربک میں کیا ہے نوشین, یہ تنوین جو لگی ہوئی ہے نا اس کے اوپر, ڈبل پیش, رائٹ, ٹھیک ہے نوشین, یہ ڈبل پیش, جی جی, یہ نکرہ کی نشانی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ایک کتاب, رائٹ, ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا. اگر اس کو میں ال کتاب کو کر دوں تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے. اچھا تو معرفہ کیا ہوتا ہے, یہ نکرہ تو ہم نے آسانی سے پڑھ لیا, لیکن معرفہ جو ہے نا وہ خاص چیز, شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں, اور اس کی 7 اقسام ہیں. اب ہم آج ان کو فٹافٹ سے دیکھ لیں گے جلدی سے. معرفہ کیسے کیسے معرفہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو اس میں علم ہوتا ہے, اس میں علم کہ اسم ہے نا, اس میں معرفہ ہے نا, علم. علم ویسے کس کو کہتے ہیں نوشین, پتا ہے آپ کو, علم میں اردو میں ویسے سنا ہوگا لفظ, یہاں سے ہٹ کے ذرا دیکھیں, علم کس کو کہتے ہیں, علم بردار لفظ آپ نے سنا ہوا ہے, جھنڈا, ہاں بالکل, جھنڈے کو کہتے ہیں, ہاں. اور جھنڈا کیا ہوتا ہے, جھنڈا پہچان ہوتا ہے کسی کی, ہاں, جیسے پاکستان کا جھنڈا, جھنڈا دیکھیں گے تو فوراً پتا چلے گا اچھا یہ پاکستان کا ہے, رائٹ. تو جھنڈا بلکہ اس کو علم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پہچان کے لیے کنٹریز کے اپنے اپنے انہوں نے بنائے. معرفہ بھی ایکچولی لفظ جو ہے نا وہی عرفان, معرفت, پہچان, اس کا ہے معنی عربک میں. اس میں علم یہ کسی کے نا پرسنل نیم کو کہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نوشین, یہ اس میں معرفہ ہے, کیوں, کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہے, یہ لڑکی جو ہے نا یہ نوشین ہے, یہ آپ کا نام ہے, تو اس کو جو نام ہوتے ہیں نا کسی کے ذاتی نام, ان کو وہ اس میں معرفہ ہی ہوتے ہیں یقیناً, اور اس کو اس میں علم کہتے ہیں, وہ اس میں علم کی کیٹیگری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے اللہ, محمد, عائشہ, مکہ, جہنم, رائٹ, پاکستان, یہ سارے اس میں معرفہ ہیں. اس کے علاوہ پروناؤنز جو ہے نا, یعنی جس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں, جن کو تو اردو گرامر پتا ہے نا ان کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ عربک میں بھی اس میں ضمیر ہے اور اردو میں بھی اس کو ضمیر ہی بولتے تھے ہم لوگ. اچھا وہ کیا ہے, انگلش میں پروناؤنز کہتے ہیں ان کو, یعنی وہ, اسے وغیرہ, ٹھیک ہے. اب جب میں کہتی ہوں وہ, میرے ذہن میں کوئی خاص لڑکا ہے نا یا کوئی خاص لڑکی ہے نا, وہ لڑکا دیکھا تم نے یا وہ لڑکی دیکھی تم نے نا, ایسے بات کرتے ہیں نا, یو نو شین, جی ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی, جی جی, وہ بھی خاص ہے, وہ بھی اس میں معرفہ ہوتا ہے, خاص ہوتا ہے, جو پروناؤنز ہم یوز کرتے ہیں نا, جس میں ضمیر ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی خاص ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ضمائر کی ایک ٹیبل دی ہوئی ہے, اب سبحان اللہ, اسپیسیفک لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں, جی بالکل. اچھا اب میں یہ بات کر رہی تھی آپ سے, عربی اردو میں تو یعنی وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو, وہ ایک ہو یا وہ سب ہو, ہے نا, صرف وہ ہی ہوتا ہے نا, ایک ہی لفظ ہوتا ہے وہ. اگر کوئی دور ہے اور اس کی میں نے بات کرنی ہے, یا کوئی ایبسنٹ ہے اس کی میں نے بات کرنی ہے, تو میں کہوں گی وہ, ہے نا, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو, ہم ایک ہے, دو ہیں, تین ہیں, سب کے لیے بس وہ ہی ہوتا ہے. لیکن عربک میں سبحان اللہ, عربک از دا موسٹ کیپیشیس لینگویج, سب سے زیادہ جو ایک وسیع لینگویج ہے نا, وسیع زبان, وہ عربی زبان ہے. اس لیے اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو یہاں ملے گی, یہ ضمائر کے ٹیبل میں, یہ ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے, اس ٹیبل کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں, کیونکہ یہی ٹیبل پھر آگے ہمیں بہت جگہوں پہ استعمال کرنی ہے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے غائب, حاضر اور متکلم. غائب کون ہوتا ہے, تھرڈ پرسن, یعنی میں اور آپ, ہم دونوں تو بات کر رہے ہیں نا, جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے وہ غائب ہے, اور اس کے لیے ہم کیا لفظ بولیں گے, وہ گئی, ہے نا, وہ اسکول گئی, وہ کوئی تھرڈ پرسن ہے, وہ غائب ہوتا ہے. حاضر کون ہوتا ہے, یعنی جیسے میں بات کر رہی ہوں تو میں متکلم ہوں, رائٹ, کلام بات کو کہتے ہیں نا, میں متکلم ہوں اور حاضر آپ ہیں جس سے میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہو گیا. یہ تین کیٹیگریز اس کی ہو گئی, یعنی انگلش میں اگر آپ کو پتا ہو, اردو میں پتا نہیں ان کو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کچھ کہ نہیں کہتے ہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا, فرسٹ, لیکن انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤن اور سیکنڈ پرسن پروناؤن اور تھرڈ پرسن پروناؤن, اس طرح سے بولتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. بہرحال غائب کے لیے, اچھا پھر ہم جو ہے وہ صرف وہ ہی بولتے ہیں, اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی, لیکن وہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ مذکر اور مونس وہی لفظ وہ میں ہی ڈفرنٹ ہو جائیں گے, یعنی اگر ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ لڑکا,
और अगर वो लड़की कहना है तो हिया कहूंगी, यानी वो अलग से, वो लड़की अलग से। उर्दू में तो हम दो लफ्ज बोलते हैं ना, वो लड़की वो लड़का, दो लफ्ज बोले तो पता चला कि मैं लड़के या लड़की की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ एक ही लफ्ज बोलेंगे और उसे पता चल जाएगा कि लड़का या लड़की की बात हो रही है। ठीक है, हुआ मतलब है वो लड़का, हिया का मतलब है वो लड़की, ठीक हो गया। तो मुजक्कर मोनस भी इसी के अंदर शामिल है, यानी अलग अलग मुजक्कर और मोनस। अच्छा, उसके अलावा वाहिद है ये, कोई एक लड़का है तो मैं बोलूंगी हुआ, लेकिन अगर दो लड़के हैं तो मैं बोलूंगी हुमा, और अगर सब लड़के हैं ज्यादा है तो बोलूंगी हुम। ठीक है, किस तरह से टेबल चलेगी, हम साथ साथ वाहिद तस्निया जमा भी देख रहे हैं और हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि ये गायब है या हाजिर है या मुतकल्लिम है। ठीक है, यानी गायब का मतलब है हमने वो से तर्जुमा करना है, हाजिर का मतलब है हमने ये से तर्जुमा करना है, या तुम से, सॉरी ये से नहीं, आई एम सो सॉरी, ये से नहीं, तुम से तर्जुमा करना है, तुम एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू में तो बस तू ही होता है या तुम होता है। ठीक है, इंग्लिश में यू ही होता है सबके लिए, यू लड़का है या लड़की है या एक है या दो है, सबके लिए बस यू ही है, राइट। लेकिन अरेबिक में माशाल्लाह सबके लिए अलग अलग है। ठीक हो गया, टेबल समझ आई आपको कि तीन कैटेगरी मकाम के हिसाब से, गायब हाजिर मुतकल्लिम। गायब होगा तो हम वो से तर्जुमा करेंगे, हाजिर होगा तो तुमसे तर्जुमा करेंगे, मुतकल्लिम होगा तो मैं, यानी मैं मुतकल्लिम जो कलाम करने वाला है। ये इस तरह की तकसीम इसकी हो गई। इसके अलावा मुजक्कर और मोनस भी अलग अलग हैं, जिन्स भी हम देखेंगे उनकी। इसके अलावा वाहिद तस्निया जमा भी अलग अलग हैं। ठीक है, जो अगली तीन कैटेगरीज है, वाहिद तस्निया जमा है, हुआ वो एक, वो यानी एक, वाहिद है तो एक है, मुजक्कर है तो लड़का है, और गायब है तो वो से तर्जमा हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है ये, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दोनों मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत। अभी भी मैं वो से तर्जमा कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये गायब के सामने ही लिखा हुआ है, लेकिन मोनस हो गया तो इसलिए वो एक लड़की कह रही हूँ, लेकिन वाहिद है तो एक लड़की है। ठीक है, लेकिन तस्निया में आ जाएगा तो दो, और चूंकि मोनस है तो लड़कियां, क्या, और गायब है तो वो दो लड़कियां, माँ, और हुन्ना वो सब औरतें या वो सब लड़कियां। ठीक है, क्योंकि जमा के नीचे लिखा है इसलिए मैं सब का तर्जमा कर रही हूं। अब हाजिर में आ जाइए, हाजिर में अब अगर कोई, मैंने किसी से बात करनी है तो कहूंगी तुम, इंग्लिश में कहूंगी यू, राइट, तुम एक लड़की, या तू भी कहते हैं उर्दू में सिंगुलर को, एक को, होगा अंत, याद रखें अंता, तू एक मर्द, क्योंकि मुजक्कर के सामने लिखा हुआ है, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दोनों मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंता की जमा है अंतुम, अंता की तस्निया है अंतुमा। ठीक है, अब मोनस में आ जाए तो अंती तू एक लड़की या तू एक औरत, अंतुमा तुम दोनों औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अब देखिये हुन्ना वो सब औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, बस आपको राइमिंग लग रहा होगा हुन्ना तुन्ना, राइट, आ से बस याद रखें कि तुम सब औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अच्छा, अब मुतकल्लिम और मोनस के लिए, हाँ, अंती अंतुमा अंतुन्ना हमने देख लिया, और क्या फर्क है मुजक्कर और मोनस में, अंता तू एक मर्द, अंती तू एक औरत, क्या फर्क है जी नौशीन, क्या फर्क नोट किया आपने अंता और अंती में, और अंती पे जो है कसरा दी हुई है जी, अंती पे कसरा है और अंता पे फतहा है। ठीक है, और आप ये याद रखिएगा ये मोस्टली अफाल में भी इसी तरह से होगा, मोनस के नीचे कसरा होगा और मुजक्कर के ऊपर फतहा होगा। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको बात बताती चलूं कि हम लोग मतलब जो सब यूज करते हैं, हम कहते हैं जजाकल्ला, राइट, आपने मुझे कहना है तो आप कहेंगे जजाकल्ला, वो गलत होता है ग्रामर की रूह से। आपको मुझे क्या कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए जजाकल्ला, आपके नीचे कसरा लगाइए, जैसे यहाँ पे अंत के नीचे कसरा आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, कसरा जो होता है वो फीमेल की निशानी होगी, आप कहेंगी नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोगों ने ग्रुप में लिखना हो या वैसे बोलना हो किसी फीमेल को, आप कहेंगी जजाकल्ला। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, और मुतकल्लिम का था, यानी जो बोलने वाला होता है तो क्या वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, मैं या फिर
हम, अगर पूरी ग्रुप की तरफ से बात करनी है तो हम, लेकिन एक ने बात करनी है तो मैं, ये दो के लिए भी अगर हम दोनों ने भी बात करनी है तो फिर भी हम ही इस्तेमाल होगा, नहनु ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। दो के लिए तस्निया की और जमा दोनों के लिए नहनु इस्तेमाल होता है, हम यानी, ठीक है। हुआ हुमा हुम, ये मैं चाहती हूँ कि सबको अच्छे से याद हो जाए, हुआ हुमा हुम, किया हुमा हुन्ना। और आप गौर करें, तस्निया के मुजक्कर और मोनस सेम है, वाहिद और जमा डिफरेंट है, लेकिन तस्निया के जो ये है ना, तस्निया के मुदक्कर और मोनस वो सेम है, बल्कि कुछ बुक्स में ना तो तस्निया की प्रैक्टिस ही नहीं कराते, हुआ हुम हुया हुन्ना बस ऐसे बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं कुरान पाक में। आप किसी रुक रुक कर आ रही, अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि ये टेबल ही अच्छा खासा हैवी था एक काम, तो आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, कोई भी अगर कोई पूछना चाहे कुछ तो माइक ऑन करके आप सवाल कर सकते हैं। जो लिख रहा है कोई मैसेज तो वो माइक पे आके नहीं पूछ सकता, ताकि सब लोगों को फायदा हो जाए। ये टेबल सिर लड़के और लड़की के लिए है या ऑल मोनस एंड मुज़क्कर के लिए? जी वैसे ये जानदार के लिए ही इस्तेमाल होता है मोस्टली, ठीक है, लेकिन ये कोई भी मेल और फीमेल के लिए आ जाता है, ठीक है, कोई भी मेल या फीमेल के लिए। जाहिर है बात ज्यादा करें, क्योंकि जमायर है ना, ज्यादा बात करनी होगी तो वो जानदार चीजों से इंसान बात करता है ना, लेकिन अगर बेजान चीजों के लिए बात करनी होगी ना, जैसे वो इशारा होता है, वो इसमें इशारा होता है, जैसे मैंने कहना है कि वो मेज, वो किताब, ये किताब, फिर वो ये जो होते हैं वो फिर इसमें इशारा होते हैं जो गैर जानदार चीजों के लिए होते हैं, क्योंकि गैर जानदार चीजों से बात तो नहीं ना करते ना, इसलिए फिर उसके लिए इसमें इशारा होता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, अगला ही है, बल्कि देखिए इसमें इशारा अगली कैटेगरी ही है, इसमें इशारा। तो अगर ये क्लियर है सबको तो फिर हम अगली कैटेगरी पे जा सकते हैं इंशाल्लाह। जी गैलेक्सी 9 पे कौन है? S9 पे जी, गैलेक्सी S9 पे कौन है, कुछ पूछना है आपको? जी मैं रोशनी, नहीं कुछ नहीं। अच्छा समझ आ गया यहाँ तक? जी जी। अच्छा नहीं फिर हम, मेरा ख्याल आगे जा सकते हैं, इतनी टाइम कितना रह गया मुझे अंदाजा नहीं हुआ अभी। अच्छा जैसे मैंने कहा इसमें इशारा यानी किसी चीज की तरफ, हाँ अब 10 मिनट रह गए, ठीक है इंशाल्लाह। इसमें इशारा का मतलब है इशारा करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना हो तो, और इशारा के लिए दो तरह के इशारे होते हैं, जाहिर है करीब का या दूर का। अगर कोई करीब की चीज है फिर हम बोलेंगे ये, और दूर की चीज है तो हम बोलेंगे वो, राइट। इतना तो सबको पता होगा, माशाल्लाह जो उर्दू समझते हैं। अच्छा अब इसमें इशारा के भी बिल्कुल उसी तरह से टेबल है, लेकिन इसमें चूंकि इशारा है ना, इसमें मैं नहीं, मैं वाला मुतकल्लिम का वो कॉलम नहीं आपको नजर आएगा, बाकी उसी तरह से मुदक्कर मोनस, मुदक्कर मोनस करीब और दूर के लिए। जैसे वहां पे थे, क्या थे वो जो टेबल थी, उसमें गायब और हाजिर था ना, दूर है हमसे वो गायब है, जो पास है हमारे वो हाजिर है, और मुतकल्लिम तो हम खुद बात करने वाले। इसमें इशारा में इशारा करीब और बईद, जो दूर की चीज है वो उसको बईद कहते हैं, और जो पास की है उसको करीब कहते हैं, ठीक है। और ये क्या अल्फाज इस्तेमाल इसमें भी, लेकिन उस तरह वाहिद तस्निया जमा भी रहेगा और मुजक्कर मोनस भी रहेगा, मुजक्कर मोनस भी रहेगा और वाहिद तस्निया जमा भी रहेगा। जी तो पहला हम शुरू करते हैं, वाहिद मुजक्कर और करीब का है वो होगा हाजा। अगर ये करीब का है तो इसका मतलब है ये, मुजक्कर चीज है मेरे पास तो मैं कह रही हूँ ये हाजा, दो चीजें हैं तो हाजानी, वही आनी की साउंड आ रही है, ठीक है। और जमा इसका बना हुआ है, जमा मुकस्सर बना हुआ है, हाउलाई, बिल्कुल टूट गया लफ्ज, एक नया लफ्ज बन गया, हा उला, ये सब लोग या ये सब चीजें।
اسی طرح مونس کے لیے ہاض ہی، ریمبر ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسرا جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ زال کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے تو مذکر کے لیے، لیکن کسرا لگا دیں گے نیچے تو مونس کے لیے ہو جائے گا، ہاض ہی کا چینج بھی ہو گیا، یہ یہ ایک لڑکی یا یہ ایک مونس چیز، ہاتانی وہاں ہاتانی تھا یہاں ہاتانی ہو گیا، یہ دو چیزیں، ہا اولائی یہ کافی آپ کو نظر آئے گا قرآن پاک میں، ہا اولائی یہ سب لوگ یا یہ سب چیزیں، کچھ بھی کسی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ بعید دور کا، ظاہر دور کا ہے تو پھر کیا لفظ بولیں گے، وہ اشارہ کرنے کے لیے، کیا ہے ذالکا مذکر کے لیے وہ ایک، ذالکا ذانکا وہ دو، کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اولائکا وہ سب، مؤنث کے لیے تلکا، یہ ذالکا اور تلکا مؤنث کے لیے، وہ آنکا وہ دونوں، اولائکا وہ سب، دیکھیں جمع کے لیے مذکر مؤنث کا سیم ہے الحمدللہ، مؤنث ہے یا مذکر ہے، اگر وہ پاس ہے تو ہم کہیں گے یہ سب ہا اولائی، لیکن دور کا ہے تو اولائکا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، یہ بہت سہولت ہے، بس واحد آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، تسنیہ تو ویسے ہی بہت کم استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، واحد اور جمع زیادہ ذہن میں رکھے، اور اس میں سے بھی مذکر والے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، مونس والے اتنے زیادہ نہیں استعمال ہوتے، لیکن ہوتے ہیں جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اب یہاں پہ جو جمع ہے اب وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، مطلب اس کی کوئی اسپیسیفک اب پہچان نہیں ہے، جیسے کہ ہا اولائی اور اولائی کا ہے، یہ جمع مکسر ہے نا، پہلے تسنیہ میں تھا، جی جی جمع مکسر ہے نا یہ، اور ویسے بھی یہ نا یہ اس میں اشارہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے، یعنی فکس ہیں یہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے، یعنی تو بس ان کو اس طرح یا تو بس آپ بس ایک دفعہ نظروں سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نظروں سے بس ایک دفعہ گزار لیں، کیا یہ برڈن نہیں لینا کہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا، وہ اتنی چیزیں یاد کرنا پڑیں گی، نہیں برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، بس ابھی جی بولے تسنیہ کی پہچان بھی ہے نا کہ نون آ جائے گا، جی ہاں آ نہیں خالی نون ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہاں، لیکن ہاں ہاتانی اور ہاتانی میں ہو رہی ہے، لیکن زانی کا اور تل تانی کا تو بہت ڈفرینٹ ہے نا، اس میں بھی الف نون آ رہا ہے نا، تانی کا تالف نون نہیں، لیکن وہ تو ہم نے اینڈ پہ کہا ہے نا کہ وہ تو الف نون اینڈ پہ آئے گا نا، اس کے اینڈ میں تو نہیں آ رہا نا، ہاں وہ تو بیچ میں آ رہا ہے نا، ہاں اپنی سہولت کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ کچھ بھی اس کو نشانی رکھ سکتی ہیں، لیکن آپ فائدہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ونیتا آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی سسٹر مجھے یہ پوچھنا ہے جو یہ بالکل رائٹ سائڈ میں لکھا نا ریڈ کلر سے، کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ اشارہ قریب جی، یعنی نیئر تھنگز کے لیے، ہاں جی 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 جی، اور وہ بعید کا، بعید کا ہاں دور کا، جی جی ٹھیک کلیئر ہے یہاں تک تو ہم آگے چل سکتے ہیں پھر، ابھی ہمارے پاس 4:30 ہیں، جی جی الحمدللہ، اوکے اوکے چلے ٹھیک ہے پھر الحمدللہ آگے چلتے ہیں ہم، اس میں موصول، اچھا آپ نے لفظ سنا ہوگا صلہ رحمی، آئی وانٹ اینی ون ایلس ٹو کم آن مائک ناؤ، کوئی اور آ جائے مائک پہ، کوثر جی آپ رکیں گے مائک پہ، جی کوثر، اس میں موصول، آپ نے صلہ رحمی لفظ سنا ہوا ہے اردو میں؟ جی جی عمران، مطلب ہوتا ہے اس کا صلہ رحمی؟ لوگوں کو جوڑنا، کون سے لوگوں کو؟ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، کون سے لوگوں کے ساتھ؟ دو لوگوں کو، دو لوگوں کے ساتھ، اچھا اور کوئی بتائے گا جلدی سے جلدی سے، اپنے رشتے داروں، ہاں بالکل یہ صحیح آپ نے جواب دیا، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، ہاں جی رشتے داروں کے ساتھ جو تعلق جوڑ کے رکھنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا تو صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا،
मैंने क्यों आपसे अचानक सिला का मतलब पूछ लिया, सिला रहमी का, कि यहाँ लफ्ज जो सिला है उसी से मौसूल बना हुआ है, ठीक है, लफ्ज सिला से ही मौसूल बना हुआ है, इसमें मौसूल यानी ऐसे अस्मा जो दो जुमलों को जोड़ने के काम आते हैं। और मिसाल देखिए क्या है, आमिर एक उस्ताद है वो हमें अरबी सिखाता है, आमिर एक उस्ताद है जो हमें अरबी सिखाता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग जुमले थे लेकिन यहाँ जो लग के जुड़ गए आपस में, तो जो जो है जो लव जो है हर्फ नजर आ रहा है आपको, इसको इसमें मौसूल कहते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड्स इंग्लिश में उसको हम एक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, और वो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े ही हैं, देखें मुजक्कर है तो अगर कोई एक जोड़ने वाला है तो हम कहेंगे अल्लज़ी, बहुत ज्यादा आपको ये कुरान पाक में नजर आएगा अल्लज़ी, हम इसका तर्जमा करेंगे वो जो, ठीक है, वो जो। और ये मुजक्कर के लिए होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है सामने ये मुजक्कर लिखा हुआ है, राइट, रेड कलर में मुजक्कर लिखा हुआ है। और उस इधर क्या लिखा हुआ, वाहिद, यानी कोई एक मुजक्कर नाम होगा, एक मुजक्कर, तो उसके लिए आएगा अल्लज़ी, वो जो, लज़ानी, वो दो जो, और अल्लज़ीना, वो सब लोग जो, यानी अगर ज्यादा सारे लोगों की बात हो रही है और हमने कहना है कि वो लोग जो, फिर हम क्या कहेंगे, अल्लज़ीना, और वो सारे मुजक्कर होने चाहिए, या जनरल जेंडर भी मुजक्कर जेंडर ही होता है, याद रखें। मोनस के लिए अल्लती, वो एक औरत जो, यानी किसी फीमेल की बात हो रही है, किसी मोनस चीज की बात हो रही है और उसको कनेक्ट करना है जुमले के साथ कि वो जो, अल्लती बोलेंगे, अल्लातानी, वो दो औरतें, और अल्लाती, वो सब औरतें, या अल्लाई, दोनों ठीक है, अल्लाई अल्लाती दोनों ठीक है। ज्यादा जो है ना, मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि तस्निया वाले इंतहाई कम इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर वाहिद और जमा के ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और उसमें से भी फिर मुजक्कर के ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपने हार्डली कभी कुरान में पढ़ा होगा अल्लाई या अल्लाती, लेकिन अल्लज़ीन आपने बहुत दफा पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा दफा पढ़ा होगा, ठीक है। मुजक्कर के सीगे क्योंकि आम सीगे भी होते हैं इसलिए वो इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट मिनट चल रहा है और मैं कोई बात करना चाह रही थी क्लास के हवाले से, तो अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है मीटिंग तो आप सब लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है, बल्कि मेरा ख्याल है कि बस डिस्कनेक्ट कर ही देते हैं और दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको भी वाइंड अप करेंगे और बात भी कर लेते हैं, ठीक है।